साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, 26 अप्रैल को मैंने आपसे एक वीडियो प्रॉमिस की थी जो मैं नहीं दे पाया। उसका कारण था कि 25 तारीख को मैं अपने फार्म पर गया था और मुझे 26 की सुबह अपने पौधों के साथ वो वीडियो शूट करनी थी, लेकिन 26 की सुबह जैसे ही मैंने अमरूद की वीडियो बनाई उसके बाद इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि खेत पर जाना ही नामुमकिन हो गया। इसलिए इस समय का सदुपयोग मैंने उस पर लेख लिखने में किया है जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी लेख के पर आधारित है ये वीडियो। किसान साथियों, मैंने एक बार पहले भी एक लेख लिखा था जिसमें मैंने तीन रोग, नींबू के जो तीन मुख्य रोग होते हैं उनके बारे में बताया था। वे हैं नींबू की तितली, लीफ माइनर और कैंकर रोग। किसान साथियों, पिछले कुछ महीनों से जब मैं इस पर पढ़ रहा था और मेरे को इधर उधर पढ़ने के बाद में, लोगों से बात करने के बाद में, अनुभवी किसानों की बात जानने के बाद में, मेरे को एक बात समझ में आई कि मुझे इस लेख को अपडेट करना चाहिए और इस पर एक विस्तृत वीडियो भी बनानी चाहिए। इसीलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये वीडियो जिसमें मैं आपको ये समझाऊँगा कि लीफ माइनर और नींबू की तितली में क्या संबंध है और अगर हम सही समय पर इलाज करें और पौधों की देखभाल करें तो इससे हमें क्या फायदे होंगे। इस तरह की बातें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी और इसकी अगर आप ध्यान रखेंगे इस बात का तो आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लीफ माइनर की। जब भी नींबू में नए पत्ते निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि जो नई पत्तियां होती हैं वो उन पर बहुत कीट आते हैं और इनमें से एक कीट आता है जो इस पत्ती पर अंडा दे देता है और ये अंडा जैसे ही पत्ती बढ़ती है तो पत्ती के अंदर चला जाता है और उसकी कोशिकाओं को धीरे धीरे, जब लार्वा बनता है उसका, वो कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है। और इसकी खासियत यह है कि ये एक टेढ़ी मेढ़ी सुरंग के रूप में होता है। अगर आपने पत्तियों को ध्यान से देखा होगा तो इसकी पहचान, जो आप, मैं दिखा भी रहा हूं आपको, इसकी पहचान आप एक टेढ़ी मेढ़ी, एक जो सिल्वर कलर होता है, चांदी के तरह की होती, इतनी चमकदार होती है सुरंग, बड़ी आसानी से इसको आप पहचान सकते हैं। अब ये रोग आ गया तो इसका नुकसान क्या होता है? ये अंदर ही अंदर उसकी कोशिकाओं को खाने लगता है और जब ये कोशिकाओं को खाने लगता है तो पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्य होते हैं, जो भोजन बनता है, वो बंद हो जाता है। और अगर इसका पहली अवस्था में जब ये अंडा देती है उसी टाइम इसका इलाज नहीं किया गया और ये सुरंग बन गई तो ये इसकी दूसरी अवस्था होती है। और अगर अभी भी आपने थोड़ा देर कर दिया तो आप देखेंगे कि पत्ता सख्त हो जाता है, उसका भूरा रंग हो जाता है और वहां पर धब्बे से भी दिखाई देने लगते हैं। ये इसकी तीसरी और भयंकर अवस्था होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये कीट अपना अंदर काम करता है तो जितने भी ये लार्वा होते हैं ये एक द्रव छोड़ते हैं और जब इसका प्रकोप अधिक होता है, इसने दो नुकसान किए आपके। एक तो आपकी पत्ती खाई, जो पत्तियों को, जो अंदर ही अंदर कोशिकाएं खाता है तो पत्ती का आकार बढ़ना बंद हो जाता है और पत्ती धीरे धीरे मर जाती है। दूसरा क्या होता है कि जब इससे एक द्रव निकलता है, जो द्रव निकलता है उस द्रव की ओर कुछ कीट भी आकर्षित होते हैं। ये जो कीट होते हैं इनमें से एक कीट होता है नींबू की तितली, जिसे हम लेमन बटरफ्लाई या सिट्रस बटरफ्लाई भी कहते हैं। तो इन द्रव के कारण जब ये तितली आकर्षित होती है तो ये भी एक अंडा छोड़ जाती है इसके ऊपर। ये अंडा एक लार्वा में बदलने के लिए आपको लगभग 1 से 3 वीक लेता है। जब ये लार्वा बनता है तो ये एक जैसा चिड़िया की बीट होती है, आप देखिए, ये उस किस्म का होता है। और जैसे ही ये लार्वा बनता है तो ये पत्तियों को खाना प्रारंभ कर देता है और इनका मुख्य भोजन होती है नई वाली पत्तियां।
और इसकी इसे खाने की गति इसके संपूर्ण जीवन काल में 2 ग्राम से लेकर 6 ग्राम प्रतिदिन तक होती है। अब देखिए आप पत्ते को तोड़कर देखिए कितने ग्राम का होता है, तो प्रतिदिन कितने पत्तियां खा जाती हैं। ये अपने इस जीवन काल में लगभग 20 से 25 दिन तक का होता है लार्वे का जीवन काल। अब 20 से 25 दिन में देखिए कि एक जो लार्वा है वो कितनी पत्तियां खा जाता है, और धीरे 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 इसका आकार बढ़ता रहता है। लगभग 15 दिन बाद अगर आपने इसका इलाज नहीं किया, पहली अवस्था इसकी जब अंडा दिया अगर आप पहचान सकते हैं इसके, दूसरा इलाज जब ये लार्वा बन गया, अब इसके बाद ये लार्वे की जो अंतिम स्टेज होती है ये देखिए, ये आप हरे रंग की हो जाती है, जिसे हम सुंडी भी कह सकते हैं। ये इसकी अंतिम अवस्था होती है जिसमें ये लगभग 10 दिन तक रहता है, और इस टाइम इसकी गति सबसे अधिक होती है पत्ते खाने की, लगभग 6 ग्राम प्रतिदिन खा लेती है इस टाइम जो है। और इस 10 दिन के बाद में इसकी बाहर की जो आवरण है वो थोड़ा सख्त हो जाता है, और धीरे से वो पत्ते के नीचे लटक जाता है, इसे हम एक कोकून कहते हैं या एक संघ की तरह का लटका रहता है। और 2 से 3 सप्ताह बाद इसमें से फिर एक तितली का जन्म होता है, और ये जो इसका टोटल जीवन काल होता है वो 35 से 45 दिन तक का लगभग होता है, कई रिसर्च पेपर है। किसान साथियों, इसमें एक मेरे को बहुत अच्छा रिसर्च पेपर मिला था, उसका नाम है जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल एशियन एंटोमोलॉजी। ये 2015 का जर्नल है, इसका वॉल्यूम नंबर है 4 और इसका इश्यू नंबर है 1, और ये 20 से 27 नंबर पेज पर अगर आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें पिक्टोरियल भी दिया गया है और इसका लगभग जीवन काल सब बताया गया है। अब थोड़ा हम इस पर चर्चा करते हैं कि ये इसके लिए समय क्या होता है। किसान साथियों, इस तितली के लिए अंडा देना और इसका जो लार्वा बनने का सबसे अच्छा जो वो होता है वो टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस से कम। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्च का महीना होता है, फरवरी के बाद शुरू होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगी, और दूसरी दिखाई देगी जब नए पत्ते आते हैं आपके जुलाई अगस्त में, बरसात में भी दिखाई देगी, उस समय भी टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तैसे तैसे इसका स्कोप कम होता जाता है। ये तो हुआ पहली बार। अभी मैं खेत पर गया तो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी, तो मैंने कहा कि सुंडी का और इसका काफ़ी प्रकोप था, तो मैंने कहा भाई ये क्यों है, तो जो पूरब की हवा चलती है, जब पूरब की हवा चलती है तो वातावरण में नमी बहुत अधिक बढ़ जाती है, और इस नमी में टेम्परेचर अधिक नहीं होता, यानी मैं जब फार्म पर घूम रहा था और पूरी धूप थी उस टाइम भी मुझे पसीना नहीं आ रहा था, चूँकि हवा चल रही थी, हवा थोड़ी ठंडी थी और उसमें नमी थी। ये वातावरण इस प्रकार के कीटों के जन्म के लिए और प्रकोप के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अप्रैल का महीना अंत की ओर है, इस वक्त टेम्परेचर 40 डिग्री होना चाहिए था, पश्चिमी हवाएं चलनी चाहिए थी जिन्हें हम लू कहते हैं, और उसमें कीट अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब मैंने आपको लीफ माइनर और ये नींबू की तितली दोनों में क्या संबंध है ये बताया है, और दोनों की 3 अवस्थाएं बताई है। पहली अंडे की अवस्था, और इसमें नींबू की तितली में पहली अंडे की अवस्था, दूसरी लार्वे की, तीसरी प्यूपा की, और चौथी होती है तितली। तो इन्हें हम कुल 3 अवस्थाओं में करते हैं। अगर आपने ये पहचान लिया कि अंडा दे दिया है या उसकी पहचान कर ली है, तो आपको एक हल्की दवाई से काम चल जाएगा जो सस्ती होगी, लेकिन अगर वो लार्वा बन गया तो आपको उससे थोड़ी तेज और थोड़ी महंगी दवाई की आवश्यकता होगी। और अगर वो अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच गया लार्वा, जो हरी इल्ली होती है, तो आपको इसको और अधिक तेज दवाई की आवश्यकता पड़ती है, और हो सकता है 2 दवाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं बागवानी खेती से बिल्कुल अलग है। हर किसान को अपनी, अगर वो बागवानी करते हैं तो कम से कम 3rd दिन अपने बाग में अवश्य जाना चाहिए, और तब तो बहुत जल्दी जाना चाहिए जब इनमें नए पत्तों का सृजन हो, यानी कि वसंत ऋतु का आगमन हो,
अगस्त जुलाई का महीना हो तब भी जाना चाहिए, तब इन रोगों का प्रकोप सबसे अधिक होता है। ये तो हुई मैंने आपको समझाने की बात, अब आइए करते हैं इनका उपाय। किसान साथियों, अगर आप अपने खेत में घूम रहे हैं, मैंने दो पेड़ सेलेक्ट किए थे और करीब एक महीने से मैं फार्म पर नहीं जा पा रहा था, मैंने फिर भी एक स्प्रे हल्का सा करवा दिया था, उससे मेरा लीफ माइनर रुक गया था। मैं दिखाना चाहता था कि ये देखिए, ये लीफ माइनर की मेरी पत्तियों में था और यहाँ पर उगा, इसके बाद कितनी अच्छी पत्तियाँ निकली हैं, उनमें कोई रोग नहीं है। किसान साथियों, अगर आपको ये लगता है कि लीफ माइनर की शुरुआत हो चुकी है, पहली अवस्था में आपको क्या करना है, एक दवाई आती है डाइमेथियोन, ये रोगोर या ओगोर कई नाम से आती है, लेकिन इसका जो सॉल्ट होता है वो डाइमेथियोन होता है। डाइमेथियोन की मात्रा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में करिए और इसका छिड़काव कर दीजिए, 90% आपकी ये खत्म हो जाएगी। अगर 10 दिन बाद लगता है कि कोई थोड़ा बहुत रह गया तो एक स्प्रे और कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं है 10 से 15 दिन के बाद। एक और दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है मोनोक्रोटोफास। मोनोक्रोटोफास का भी आप 2 ml प्रति लीटर की मात्रा में इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये पहली अवस्था में लीफ माइनर की पहली अवस्था, और नींबू की तितली में जो अगर आपको लगता है कि अंडे आ गए हैं और आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों के लिए इलाज एक ही है, डाइमेथियोट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या मोनोक्रोटोफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर। अब अगर आपके पास ये दवाई ना हो तो एक दवाई और है जो सभी किसान भाई जानते हैं, इमिडा क्लोरोपीड। इमिडा क्लोरोपीड बायर की बहुत अच्छी दवाई है, कीटनाशक है, थोड़ी महंगी है लेकिन असरकार है। लेकिन इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है कि ये 1 लीटर पानी में 0.5 ml पड़ती है, यानी 2 लीटर पानी में इसको 1 ml की मात्रा डालते हैं। तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं, अगर पहली दवाई नहीं मिली तो आप कोशिश करिए कि डाइमेथियोट मिल जाए या मोनोक्रोटोफास मिल जाए, ये दोनों सस्ती हैं, असरकारक है, आपको 90% तक इनका असर होगा। अब चलते हैं इसकी दूसरी अवस्था में। दूसरी अवस्था में क्या है कि आपने अंडे से इसका लार्वा बन गया, अब जब लार्वा बन गया, जो बीट जैसी शक्ल की जो नजर आई है, जो मैं अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो ये जो बीट जैसी शक्ल की बन गई है और जो लीफ माइनर है वो काफी मात्रा में फैल चुका है, हर पत्ते मुड़ गए हैं, इसे हम दूसरी अवस्था मानकर, इसमें आपकी डाइमेथियोट काम नहीं करेगी, मोनोक्रोटोफास काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको दवाई चाहिएगी, एक आती है प्रोफेक्स सुपर, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्री, ये 2 साल्ट होते हैं उसमें, इनकी आप 2 ml प्रति लीटर की मात्रा का छिड़काव करें तो ये इसको 90% से लेकर 95% तक आपकी नींबू की तितली को खत्म कर देगी, और या आपके जो लीफ माइनर की सेकेंड स्टेज होगी उसको भी खत्म करेगी। इसी में एक और दवाई आती है जिसका नाम है इंडोफिल की है, ये कोरसा 808, सॉल्ट एक ही है, आप प्रोफेक्स सुपर ले लीजिए या कोरसा 808 ले लीजिए। मैं सॉल्ट इसलिए बता रहा हूँ कि किसी दूसरी कंपनी की हो तो भी ले लीजिए, लेकिन किसान भाइयों एक चीज का याद रखिए, कंपनी अच्छी हो, आजकल दवाइयों में डुप्लीकेट बहुत है, इस चीज का आप ध्यान रखें। इसलिए मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, अच्छी दवाई की बात कर रहा हूं। अगर आपको ये नहीं है, आपके पास इमिडा है, तो आप इमिडा का भी स्प्रे कर सकते हैं 0.5 ml प्रति लीटर, यानी 2 लीटर में 1 ml इसको भी कर सकते हैं सेकेंड स्टेज। इमिडा एक ऐसी दवाई है आप किसी भी स्टेज में कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन है जो सस्ता है तो उस दवाई की जो असर है वो भी थोड़ा कम होता है और वो सस्ती भी होती है, इसलिए मैं इसको प्रीफर करता हूं कि पहली बार में ही आप बहुत तेज दवाई मत करिए। अब मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी नींबू की तितली हरी वाली में कन्वर्ट हो गई और आपको दिख रही है कि ये हरे वाली बन गई, लीफ माइनर किसी भी स्टेज में हो, अगर ये बन गई, लीफ माइनर भी इस टाइम कम से कम दूसरी स्टेज में हो, अगर आपने ये हरी वाली बन गई तो आपकी ये प्रोफेक्स सुपर और सिप्रामिथिन ये काम नहीं करेगी।
तब आपके पास क्या ऑप्शन होगा, एक दवाई आती है फिप्रोनिल, आप उसका 2 ml प्रति लीटर या पाइरोमाइट, पाइरोमाइट 1 ml प्रति लीटर, इन दोनों में से किसी एक का स्प्रे करना पड़ेगा तो आपकी खत्म होगी। किसान साथियों, जो ये मैंने दूसरी स्टेज बताई है, जो मैंने एक इमिडाक्लोरोपीड दवाई बताई है, इसमें एक दवाई और है इमामेक्टिन बेंजोएट, जिसका 1 ग्राम प्रति लीटर का हम स्प्रे कर सकते हैं। ये मैंने क्यों नहीं बताई पहले, जहां भी जो दूसरी स्टेज है उसमें इसका स्प्रे कर सकते हैं, इमिडा का अगर असर उससे भी कम असर आ रहा है, आपको लग रहा है कि दूसरी करनी चाहिए, तो कभी भी वो ही दवाई रिपीट ना करें। अगर आपका 70% भी खत्म हुआ, 30% बचा गया, तो दूसरी दवाई का स्प्रे करें। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना है, इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट मैंने क्यों नहीं बताई, इसका जो प्रयोग है वो गर्मियों में अवॉइड करें, गर्मियों में जहां तक हो सके न करें। अगर आपको करना ही पड़ रहा है तो बिल्कुल शाम के टाइम करें, क्योंकि इस दवाई का प्रयोग ज्यादातर आपको बरसात या सर्दियों में करना चाहिए, जब टेम्परेचर कम होता है, अदरवाइज यानी कि अगर हो सकता है तो इसको अवॉइड करें। तो किसान साथियों, मैंने 3 अवस्थाओं में बताया है और ये बताया है कि किस मात्रा में और कब इसका प्रयोग करना है। अब आइए मैं एक चीज और बताता हूं कि इसमें सावधानी क्या रखनी है। किसान साथियों, मैंने देखा है, एक मेरे मित्र हैं हनुमान गुजर, जो राजस्थान में है, तो उन्होंने क्या करते हैं कि जी मेरे पास बची हुई थी दवाई, मैंने वो भी मिला दी। नहीं, ऐसा मत करिए, अपने घर पर सिरिंज लाकर रखिए और एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक कांटा जरूर लाइए कि आप ग्राम में तोल सकें। मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर मात्रा उतने ml से अधिक हो गई, आपके पत्ते जला देगी, पत्ते कठोर हो जाएंगे और फायदे की बजाय इसका नुकसान होगा आपको। ये है पहली सावधानी। दूसरी सावधानी आपको क्या रखनी है कि स्प्रे गर्मियों के दिनों में, मार्च अप्रैल मई जून, कभी भी दिन में न करें। अगर आपको स्प्रे करना है तो सुबह 7 बजे आपका लास्ट स्प्रे होना चाहिए, 7 बजे से पहले, और शाम को 5 बजे के बाद ही स्प्रे करें। इसके 2 कारण हैं, एक तो गर्मी और दवाई तेज होने की वजह से पत्ते खराब नहीं होंगे, और दूसरा क्या होता है, कुछ हद तक काफी कीट गर्मी में और धूप में पत्ते के नीचे चले जाते हैं, छुप जाते हैं, और उसका असर नहीं होता। एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी दवाई का प्रयोग करें तो उसमें जहां तक हो सके 1 टंकी में 1 पाउच शैंपू का अवश्य मिला लें। इससे क्या होगा कि ये दवाई पत्तों पर थोड़ी चिपकेगी और जब वो कीट उनको खाएगा तो वो उसके अंदर जाएगी और ये बहुत ज्यादा असरकारक होगा। ये थी सावधानियां। किसान साथियों, मेरे पास बहुत फोन आते हैं जो कि घर में गार्डनिंग भी करते हैं, किसी के पास 1 नींबू का पौधा है, किसी के पास 1 अमरूद का पौधा है या 2 है, उनमें भी मेरा बहुत समय लेते हैं। अब मेरे पास समय की बहुत कमी रहती है, क्योंकि मेरा जो मुख्य जो शौक है वो है लिखना पढ़ना। अब मैं उनके लिए, उन लोगों को जो घर पर ये इनके पेड़ हैं, उनको रासायनिक दवाओं का उपयोग जहां तक हो सके नहीं करना चाहिए। अब मैं उसके लिए आपको जैविक उपाय बताता हूं जो सबके घर में उपलब्ध होते हैं। पहला है, आप घर में नीम का तेल अवश्य रखें। आप ये भूल जाए कि नीम का तेल कितने ppm का है, अच्छे से अच्छा नीम का तेल रखें आपके पास, जहां से भी मिलता है। 1 लीटर में 3 ml से शुरू करिए, 1 लीटर में 3 ml नीम का तेल मिलाइए, थोड़ा सा उसमें घर में जो बर्तन धोने का विम या निप या किसी का जो लिक्विड होता है या शैम्पू के बूंद डाल दीजिए, जिससे कि वो तेल पानी में घुल जाए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले नीम के तेल में शैम्पू की बूंद या लिक्विड की बूंद डाल लेता हूँ और उसको हिला लेता हूँ, तो वो उसमें घुल जाता है, और जैसे ही पानी में डालेंगे वो सारे पानी में घुल जाता है। इसे ये करें। इसमें अगर आप थोड़ा बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, 4 ग्राम प्रति लीटर तक, 3 ग्राम से शुरू करिए, उसको भी मिला लीजिए, और उसके बाद में आप
इन दोनों के मिश्रण का पहले क्या करें कि थोड़े से एरिए में कुछ पत्तों पर छिड़काव करें। अगर पत्तों में एकदम ऐसा लगा कि जल गए पत्ते, एक दिन में 24 घंटे में पता चल जाएगा, तो आप थोड़ा पानी और मिला लीजिए और उसका स्प्रे करिए। और अगर नहीं है तो आप इसका स्प्रे करिए, आपके कोई भी रोग ये इस पर खत्म कर देगा इसको। अगर आपने इसमें घर में जो दही बचती है उसको खट्टी कर लीजिए, तो थोड़ी सी दही खट्टी कर रखिए, जिसका मट्ठा बोलते हैं हम उसको, जो छाछ बोलते हैं, उसमें एक तांबे का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए और उसे पुरानी होने दीजिए। अगर आप इस एक लीटर में 50 ml भी या 100 ml मिला लेंगे उसको भी, तो आपका रामबाण साबित होगी, तो ये आपके काफ़ी कीटों को ख़त्म करेगी। साथियों, अगर आप घर पर गार्डनिंग करते हैं, आपके पास नींबू का या अमरूद का पौधा है, तो कोशिश करिए कि आपको रासायनिक दवाओं का उपयोग न करना पड़े। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वे भी इन उपायों को कर सकते हैं। और एक और उपाय है, वो है सब सॉयल मिट्टी का। एक हमारे साथी हैं संकल्प शर्मा जी, उनका एक चैनल है नेचुरल फार्मिंग, आप उसे सब्सक्राइब करें। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको बताया है कि सब सॉयल से किस प्रकार हम कीटों का प्रकोप रोक सकते हैं और किस प्रकार से मिट्टी से ही हम ये इलाज कर। किसान साथियों, ये लेख जो नींबू की बागवानी का मेरा सेक्शन है मेरी वेबसाइट amazingkisan.com पर, ये लेख जो मैंने बताया है सब कुछ डिटेल उसमें लिखकर, ये 5 पेज का लेख है और वहाँ पर उपलब्ध है। आप वेबसाइट पर जाइए, इस लेख को डाउनलोड करिए और रख लीजिए। और मुझे फ़ोन करने से पहले एक बार वेबसाइट अवश्य कर देख लीजिए, हो सकता है आपके प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर हो और मैं कुछ और नया काम करने की सोच रहा हूँ। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें।